वो है बीएससी लिमिटेड का शेयर। आज फिर से ये नई ऊंचाई पर ये पहुंच गया, 4656 रुपए का इसका भाव है। और जो कुछ भी रेगुलेटर्स की तरफ से एफएनओ ट्रेड को लेकर एक्शन लिए जा रहे हैं, रिटेल को डिस्करेज करने को लेकर, उसका बेनिफिशियरी बन रहा है बीएससी लिमिटेड और लगातार ये शेयर चल रहा है। शिवांगी, कितना चलेगा, कहां तक जाएगा शेयर ये? क्योंकि अगर मैं इसको महीने भर में देखूं तो ये बहुत तेज रफ्तार से चला है अब तो, मतलब इतनी तेजी। इक्विटी में ठीक है रिटर्न्स बनते हैं, लेकिन बीएससी ने तो कमाल कर दिया, 2200 रुपए से चलते चलते भी 4600 को पार कर गया ये। जी, एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स या फिर ब्रोकरेज फर्म सभी की हम बात करें, ऑफकोर्स डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर्स अप्लाइड, काफी पॉजिटिव है। एंड हम देख रहे हैं कि बीएससी एक ऐसा स्टॉक रहा है परफॉर्मर ऑफ द ईयर इस साल में, हमने देखा है अभी तक 100% से ज्यादा इसने रिटर्न दे चुका है। एंड यू नो काफी पॉजिटिव है ये स्टॉक, और मेरा यह मानना है कि ये मस्ट हैव्स है पोर्टफोलियो में, तो बिल्कुल इसको रखे रखे। नेक्स्ट जो टारगेट्स यहाँ पे है सीधा यू नो 4800 और फिर पोजिशनली 5000 तक के लिए बनते हुए दिख रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहे, सपोर्ट्स को आगे की तरफ ट्रेल करें, 4550 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। आप देखिए यहाँ पे स्टॉक 4600 के भी पार निकलता हुआ दिख रहा है और साथ ही सस्टेन भी कर रहा है। बांगी, आप जरा चेक कीजिए, शामिल संवर्धन मदरसन 200 रुपए के ऊपर ये टिका हुआ है और धीरे धीरे तेजी दिखा भी रहा है शेयर। ये आज भाव हो गया इसका 215 रुपए का। संवर्धन मदरसन, जरा आप बताइए क्या तेजी करने के लिए ये ठीक भाव पर है? यू नो इस स्टॉक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा है कि प्रीवियस हर्डल जोन्स को सरपास करने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो 216 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको क्रॉस करते ही नेक्स्ट जो टारगेट्स यहाँ पे बनते आ रहे हैं वो है राउंड अबाउट 220 तक के लिए, तो ये लेवल्स हम ध्यान रख सकते हैं। 230 तक के लिए आपको इमीडिएट इसमें ये टारगेट मिल सकते हैं, ये राय है आपकी शामिल को लेकर। से समझना चाहेंगे BEL आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे? अब देखिए लगभग 340 का स्टॉक लुढ़कते लुढ़कते 270 के पास आ चुका है, क्या यहाँ पे रिवर्सल के कुछ संकेत दिख रहे हैं? तो यहाँ पे सृष्टि क्लियर कट लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं पहली बात, दूसरी बात यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई लॉन्ग के पैटर्न्स बन रहे हैं। इनफैक्ट इसको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि ये एक बार 300-304 के जोन के ऊपर क्लोज ना हो। ठीक है, तो BEL ये स्टॉक पर आप नजर जरूर रखें, फिलहाल जो है अवॉइड करने के लिए राय आती हुई दिख रही है।